वेलकम टू कश्मीर परी महल। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं परी महल। ये परी महल की एंट्रेंस है और यहाँ से इसका टिकट लगता है। लेट्स गो इनसाइड। इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि इसे परियों का महल भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में बहुत तरह की कहानियां हैं कि यहाँ पे मैजिशियंस आते थे और लड़कियों को उठा के लेके आते थे और यहाँ पे परियां रहती थी बहुत। तो विराज, ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। ये आप गार्डन देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है और ये बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे। यहाँ पे आप ऐसे फोटोज भी बना सकते हैं। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस फ्लोर, जो मिडिल फ्लोर है, और ये जा रहा है नीचे वाले फ्लोर का रास्ता, और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर के फ्लोर की तरफ। यस, तो ये हम अब जा रहे हैं अपर ऊपर वाले फ्लोर पे। एंट्रेंस जो थी इनकी मिडिल फ्लोर से थी, तो ये 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। यहाँ पे भी गार्डन बना हुआ है, ब्यूटीफुल। आ गए बच्चे भी ऊपर, हमारे विराज। यहाँ से व्यू देख सकते हैं, पूरा लेक का व्यू है यहाँ से। पूरा लेक का व्यू आता है। ये 3 फ्लोर्स में है, 1, 2 एंड 3। पर ही हमें नजर 3 में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 फ्लोर्स हैं। ये अब इसका टॉप फ्लोर पे हम जा रहे हैं, जहाँ से हम पूरा कश्मीर देख सकते हैं। बच्चे भी ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए हैं, क्योंकि इतने सारे फ्लोर्स हमें चढ़ने पड़ रहे हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इतना सुंदर नजारा है, मैं क्या बताऊं। ये अभी हम सर्दियों में आए हुए हैं, यहाँ जनवरी में आप देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ घूमने में इतना मज़ा आ रहा है, देख के पूरा कश्मीर मुझे नज़र आ रहा है। और समर्स में तो यहाँ पूरी बर्फ की चादर ढकी हुई होती है। ये विंटर्स हैं, सर्दियों में अभी तक यहाँ गुजार नहीं हुआ है। ग्रीनरी नहीं नज़र आ रही है हमें, यहाँ पे ग्रास नहीं नज़र आ रही है अभी, वरना यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। और बाहर फॉग है, तो हम कुछ ज़्यादा दूर का नहीं देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था परी महल। यहाँ पे सारे गार्डन के ही 3 स्टेप्स में है फ्लोर सेम। और ये जो इसका गार्डन हुआ था 1992 में, दोबारा शुरू करा था इसको आना, और ये बना था 1600 में। तो ये देखा था फ्रेंड्स आपने। Bye bye all friends, I hope you like the video, like, share and subscribe, thank you.